वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी एंड ग्राफ थ्योरी में कट सेट मैट्रिक्स का सेकंड न्यूमेरिकल। तो देखिए, सेकंड न्यूमेरिकल में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द नोड वोल्टेजेस। टाई सेट मैट्रिक्स का जो सेकंड न्यूमेरिकल मैंने लिया था, जहाँ आपको लूप करंट फाइंड करने थे और नोड वोल्टेज फाइंड करने हैं अभी कट सेट मैट्रिक्स के हिसाब से। एक बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपको नेटवर्क टोपोलॉजी ग्राफ थ्योरी मेथड के हिसाब से अगर लूप करंट फाइंड करो ऐसा कहा गया, तो पहले आपको हमेशा टाई सेट मैट्रिक्स निकालनी होगी, और अगर नोड वोल्टेजेस फाइंड करो ऐसा कहा होगा तो हमेशा पहले कट सेट मैट्रिक्स फाइंड करनी पड़ेगी और उसके बाद नोड वोल्टेज निकालने पड़ेंगे। तो देखिए, यहाँ कट सेट मैट्रिक्स हमें फाइंड करनी पड़ेगी अभी, तो फाइंड आउट करते हैं। यहाँ देखिए, पहले एक सर्किट दिया हुआ है, सीमेंस में सब वैल्यू दिए, वो क्यों, वो फॉर्मूला है नीचे, मैं आपको बताऊंगा। उस फॉर्मूले में सीमेंस ही लगते हैं। अगर ओम में दी होगी और कहा होगा कि नोड वोल्टेज फाइंड करो, तो इस वैल्यू को आपको सीमेंस में करना ही पड़ता है कन्वर्ट, उन्होंने डायरेक्टली दी है तो ठीक ही है। अभी देखो, पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कट सेट मैट्रिक्स निकालनी है ना हमें। तो देखो, यहाँ दो नोड्स दिए हैं, ए बी, और एक रेफरेंस नोड रहता है हमेशा, आपको तो पता ही है। तो देखिए, ए बी सी मैं अभी ले रहा हूँ, तो ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, ए बी और ये सी, नाम दो उसे ए बी सी। अभी ये इसको तो शॉर्ट करेंगे, फिर ए टू सी शॉर्ट, बी टू सी शॉर्ट, ग्राफ निकालना है ना, इसलिए देखिए ये मैंने शॉर्ट किया। तो फिर इसका तो हो गया सब कुछ, फिर ए टू सी, फिर सेकंड ब्रांच में क्या कनेक्ट है, एक करंट सोर्स कनेक्ट है, तो करंट सोर्स है इसीलिए तो ओपन ही होगा। तो यहाँ फिर और एक नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि करंट सोर्स है। अगर वोल्टेज सोर्स आता तो ए टू सी अगेन एक ब्रांच आपको लगानी पड़ती यहाँ। अभी यहाँ देखिए, एक रेजिस्टर आया है बी टू सी, तो फिर आपको और एक लगाना पड़ेगा यहाँ, बी टू सी मैंने लगाया। अभी हमें इसे डायरेक्शन देनी है, तो हमें यहाँ डायरेक्शन नहीं दी गई, तो अज्यूम डायरेक्शन दो, कुछ भी, हम कुछ भी दे सकते हैं। फाइनल आंसर जो आता है ना नीचे, वो सेम ही आता है। अभी हमने डायरेक्शन भी दे दी। डायरेक्शन देने के बाद अभी हमें यहाँ क्या कट सेट मैट्रिक्स में क्या कंसिडर करना पड़ता है, अगर नोड है तो नोड के लिए एक नोड में एक कट सेट होता है। अगर यहाँ थ्री नोड्स दिए हैं तो कट सेट कितने होंगे, एन माइनस वन। देखिए, नोड्स रेफरेंस नोड भी कंसिडर करना पड़ता है नोड्स में इस एन के लिए, तो एन कितने हुए अभी, थ्री, थ्री माइनस वन, तो दो कट सेट्स हमें इस ग्राफ से मिल सकते हैं। तो देखिए, हमें कट सेट निकालने हैं, तो अगर आपने ये ट्विक कंसिडर की और ये दो लिंक कंसिडर किए, तो एक ट्विक मतलब ये ऐसा कट सेट हुआ क्या, हाँ हो सकता है, क्योंकि ये ट्विक और ये दो लिंक, तो फिर यहाँ तो हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये एक ट्विक, और अगर आपने इसे इसे भी लिंक कंसिडर किया, इसे लिंक कंसिडर करते, तो अगर इसे लिंक कंसिडर किया, ये ट्विक रहेगी और ये लिंक, तो यहाँ भी कट सेट कट हो सकता है। तो फिर ये एक ट्विक और ये एक ट्विक अगर हमने रखी, तो फिर यहाँ भी कट हो सकता है, यहाँ भी कट हो सकता है, फिर यहाँ नहीं होगा, तो ऐसी एडजस्टमेंट हमें आनी चाहिए। तो फिर एक ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ, ऐसे तो बहुत कॉम्बिनेशन आएंगे, आपको कौन सा भी एक जो सूटेबल है वो आप ले सकते हैं। तो अभी देखिए, मैं इसे ट्विक कंसिडर कर रहा हूँ, पहले ये ड्रॉ कर दो नोड। अगर मैंने इसे एक ट्विक कंसिडर किया और इसे भी एक ट्विक कंसिडर किया, और ये जो दो रिमेनिंग है इसे ये लिंक लिंक के फॉर्म में कंसिडर किया, तो फिर यह देखिए, यह कट हो सकता है क्या, जी हाँ ज़रूर हो सकता है, क्योंकि एक ही ट्विग आई, इस पॉइंट में भी कट हो सकता है, एक ही ट्विग आई, और इस पॉइंट में दो ट्विग आ रहे हैं, तो यह कट नहीं हो सकता। तो फिर दो कट सेट्स हमें मिल रहे, तो हाँ मिल रहे हैं हमें। तो फिर डायरेक्शन दो, जैसी डायरेक्शन थी वैसी डायरेक्शन अभी हमें देनी पड़ेंगी। देखो, डायरेक्शन मैंने दी है, अभी
ये नोड को नाम दो ए बी सी, और ब्रांच को नाम हमें अभी अज्यूम देने पड़ेंगे कुछ भी, तो मैं दे रहा हूँ 1, 2, 3, 4, ऐसे आप कुछ भी दे सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। अभी कट करो, कट सेट, ये एक कट सेट बन रहा है हमारा, तो इसे मैंने कट किया। ट्विक की डायरेक्शन ऊपर है इसकी, तो ये भी ऊपर आया, सब कुछ डायरेक्शन ऊपर आई इसकी, ये हुई हमारी डायरेक्शन कट सेट की। यहाँ भी एक कट सेट बन रहा है, तो ये बना, लेकिन इसकी ट्विक की डायरेक्शन नीचे है, तो ये कट सेट की डायरेक्शन भी नीचे आ गई, ठीक है। अभी ये तो कट सेट नहीं है हमारा, तो फिर हो गया हमारा कट सेट मैट्रिक्स का ये ग्राफ। फिर हमें क्या लिखने पड़ते हैं, नंबर ऑफ कट सेट्स, कट सेट्स हम यहाँ लिखते हैं और यहाँ हम लिखते हैं ब्रांचेस, ठीक है। ब्रांचेस कितनी है हमारी, ब्रांचेस है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, बराबर। तो फिर ब्रांचेस है 1, 2, 3, 4, और कट सेट जो है, तो कट सेट वन अगर मैंने ये कंसिडर किया, तो ये क्या आया, 1 और 3 कनेक्ट है। तो देखिए कट सेट वन को मैं कनेक्ट करता हूँ 1 और 3, और कट सेट टू, सेकंड कट सेट में ट्विक पहले, ये 2 देन 3 और 4 कनेक्ट है, तो 2, 3 और 4 कनेक्ट हुआ। अभी देखिए यहाँ 1 और 3 कंसिडरेशन में है, तो 2, 4 को 0, और यहाँ 2, 3, 4 कंसिडरेशन में है, तो 1 को 0। अभी वन वन की डायरेक्शन देखो, ये कट सेट पहले हम कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ 1 की डायरेक्शन ऊपर है, कट सेट की डायरेक्शन भी ऊपर है, तो इस 1 के लिए आया 1, और ये 3 के लिए देखो 3 भी कनेक्ट है, 3 की डायरेक्शन यहाँ जा रही है, अपोजिट कट सेट मैट्रिक्स के अपोजिट है ये, तो ये हुआ -1। अभी सेकंड कट सेट मैट्रिक्स कंसिडर करो, यहाँ 2 की डायरेक्शन, ट्विक की डायरेक्शन 2 की, और ये कट सेट की तो सेम ही है, तो इसे 2 के लिए हम देखेंगे 1 और 3, 3 की डायरेक्शन यहाँ आ रही है और कट सेट की यहाँ आ रही है, दोनों अपोजिट आ रहे हैं, तो ये हुआ 3 के लिए हमारा -1। और 4 के लिए देखो, ये डायरेक्शन है नीचे और कट सेट की डायरेक्शन भी नीचे, तो 4 के लिए हुआ 1। ये हमारी हुई कट सेट मैट्रिक्स। तो कट सेट मैट्रिक्स हम कट सेट मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे 1, 2, 3, 4, ये ब्रांचेस, 1, 0, -1, 0, 0, 1, -1, 1, ये हमारी कट सेट मैट्रिक्स तो बनी। अभी हमें पहले क्या कंसिडर करने पड़ते हैं, ट्विक्स, वो भी सिक्वेंशियल कट सेट्स के हिसाब से। तो पहले हमने ये कट किया था, फिर ये कट सेट हुआ, तो 1 देन 2, ऐसे ये दोनों ट्विक्स पहले आई, तो हाँ जी यहाँ ही आ रही है वो पहले, और 3, 4 में देखो 3 और ये 4, ये बाद में आया, तो यही हमारी कट सेट मैट्रिक्स अभी हो गई है, इसे एडजस्ट और एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हुई हमारी कट सेट मैट्रिक्स जो हम क्यू से डिनोट करते। एक बात आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है, जितने नंबर ऑफ कट सेट आएंगे, वो हमने ये 2 आए, तो ये 2 यहाँ रखे, तो यहाँ हमें देखो यूनिट मैट्रिक्स ही मिलेगी पहले, अगर आपको यहाँ यूनिट मैट्रिक्स नहीं मिलेगी तो आपका कहीं पर रॉन्ग है, ये समझ लीजिएगा एग्ज़ाम में। अभी हमें नोड वोल्टेजेस फाइंड करने हैं, मतलब VA और VB हमें फाइंड आउट करने हैं। तो नोड वोल्टेज का इक्वेशन क्या है ये देखो, देखिए ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमें इस इक्वेशन की मदद से नोड वोल्टेजेस मिल सकते। देखिए Q तो हमारी ये मैट्रिक्स जो बनी है वही है, तो वो मैं लिख रहा हूँ अभी। फिर IS जो है वो है करंट सोर्स का करंट, तो यहाँ कितने करंट सोर्स है, एक ही करंट सोर्स है, बाकी के ब्रांचेस को करंट सोर्स नहीं है। तो ये ब्रांच कितनी, कौन सी है, तो ये ब्रांच देखो हमने ग्राफ में ली है, ये ब्रांच जो है यहाँ करंट सोर्स कनेक्ट है, तो ये पहली ब्रांच है, तो पहली ब्रांच, और करंट सोर्स ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है, तो इसे हम लेंगे -10, अगर ये नीचे आ रहा होता तो फिर हम उसे लेते +10, क्योंकि हमारी जो डायरेक्शन है इस ब्रांच की वो भी ऊपर है और करंट सोर्स भी ऊपर जा रहा है, तो इसे, इस करंट सोर्स को हम कहेंगे -10 एम्पियर, और बाकी कहीं पर भी करंट सोर्स कनेक्ट नहीं है बाकी की ब्रांचेस को, तो बाकी की ब्रांचेस हुई हमारी 0। तो ये देखो
बाकी की ब्रांचेस को मैं जीरो कर रहा हूँ अभी के अभी, ठीक है। टोटल ब्रांचेस कितनी थी? 4, तो ये 3 0 आ गए और एक ब्रांच को -10 करंट आ गया। अगर ये करंट सोर्स नीचे होता तो +10 आता, ये ऊपर जा रहा है, रिटर्न जा रहा है हमारे हिसाब से, तो -10 आया यहाँ। फिर से उन्होंने क्यू कहा है, तो क्यू मैट्रिक्स फिर से, फिर उन्होंने कहा है वाई बी। वाई मतलब क्या होता है? एडमिटेंस। तो ये जो है ना, ये एडमिटेंसेस हमें दिए हैं जो सीमेंस में है। तो देखो, पहली वाली ब्रांच में, पहली वाली ब्रांच ये है, तो उसमें कोई एडमिटेंस है क्या? नहीं है। तो फिर पहले वाले ब्रांच में 0 ही आएगा, सब कुछ 0। देखिए, 0 0 0 0, सब कुछ 0। दूसरी वाली ब्रांच देखो, दूसरी वाली ब्रांच कहाँ है? सेकंड ब्रांच देखो, सेकंड ब्रांच में ये ऐसा है, मतलब ये 5 सीमेंस है। थर्ड ब्रांच में ये 5 सीमेंस, फोर्थ वाली ब्रांच ये 10 सीमेंस, और फिफ्थ वाली ब्रांच है ही नहीं। तो देखिए, 5 5 और 10, 5 5 10 सीमेंस। तो यहाँ क्या आया? 5 सीमेंस, बाकी के सब 0। थर्ड वाली ब्रांच में ये 5 सीमेंस, बाकी के सब 0, और फोर्थ वाली ब्रांच में ये 10 सीमेंस जो मैंने फोर्थ ब्रांच में लिखी, बाकी के सब कुछ 0 आ गए। बराबर है। और यहाँ देखिए, फर्स्ट वाली ब्रांच हमने ये कंसिडर की, लेकिन ये भी तो है ना, क्योंकि ये तो ओपन हो गई थी, लेकिन ये तो है, तो यहाँ 5 सीमेंस है प्रेजेंट इस ब्रांच में। देखो, ये 5 सीमेंस, तो ये 5 मैंने यहाँ लिखा, ये 5 सीमेंस प्रेजेंट है, तो ये 5 हमें लिखना पड़ेगा। फिर क्यू ट्रांसवर्स, क्यू ट्रांसवर्स मतलब इसका ट्रांसवर्स, अगर ये रो में है तो यहाँ कॉलम में आ जाएंगे। देखिए, 1 0 -1 0 0 1 -1 1, और ये V1 VN है, VN मतलब नंबर ऑफ वोल्टेजेस। तो यहाँ 2 वोल्टेज सोर्स है, VA VB, वो हमें लिखना पड़ेगा। फिर ये सब कुछ हमें सॉल्व करना है, आपको तो पता ही है अभी मेथड वाइज कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, ये सब इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, इस दोनों का ये और इस तीनों का ये सब कुछ आया सॉल्व करने के बाद। और फिर सॉल्व करने के बाद ये आया ऐसे, LHS में कुछ और RHS में कुछ। तो अभी हम कैसे लिखेंगे? देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे करो, फिर इसको इससे, और इसको इससे, ऐसे मल्टीप्लाई करना है जैसे मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं वैसे, और ये LHS का वैसा ही रखना है। मतलब ये क्या आया देखो, -10 इज इक्वल टू 10 VA प्लस 5 VB, और ये 0 इज इक्वल टू 5 VA प्लस 20 VB, 5 VA प्लस 20 VB। अब ये जो 2 इक्वेशंस हमें मिले हैं, अननोन इक्वेशंस, तो अननोन की वैल्यू हमें सॉल्व कर सकते हैं हम इसे, कैल्सी में डालो डायरेक्टली। देखो, ये यहाँ 2 अननोन्स है, VA और VB, तो इक्वेशन मोड में आपको यहाँ 2 अननोन्स लेके VA और VB की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी। देखो, VA की वैल्यू हमें मिल गई है -1.14 वोल्ट, और VB की वैल्यू 0.285 वोल्ट। ये हमारा हुआ फाइनल आंसर। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, और कट सेट मैट्रिक्स, टाई सेट मैट्रिक्स, सब कुछ सिंपल है, आपको कुछ डाउट नहीं आना चाहिए इसके, इसलिए आप इसके और एग्जांपल सॉल्व करो जो आपके बुक्स में हो गए, वो एग्जांपल ये देखने के बाद आपको ज़रूर आएंगे। अगर कुछ डाउट आया तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अभी अगले वाले एपिसोड में लास्ट टॉपिक इसका रह गया है, इस चैप्टर का, वो है ड्यूअलिटी। तो ड्यूअलिटी में अगले वाले एपिसोड में लूँगा। तब तक टाटा, बाय बाय, थैंक यू।